ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் சமாதியாமி ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் சமாதியாமி ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் जो लंबे समय से इस प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं, जो वीजा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमारे सामने रखें और उसके बाद में हमारे जो साथी यहाँ से या बाहर से भी उपस्थित हैं, जो अभी उस क्रम में कोई डाउट कोई प्रश्न किस तरह के हैं उसके बाद में कर पाएं। श्रद्धेय सुंदर जी, सबसे पहले ये देखें कि संगठन जो है वो क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ ये नहीं कहना है कि संगठन खराब है या संगठन खराब है या संघ खराब है या संघ अच्छा है या संगठन खराब है। हमें उसके गुण देखने हैं, उसके परिणाम देखने हैं, उससे हमें ये तय करना है कि अभी हमें क्या करना है, पहले क्या था। संगठन जो होता है वो मनुस्मृति पर आधारित होता है। मनुस्मृति जो आधारित है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है और प्रधानता पे आधारित है। उसमें एक राजा होता है, एक उसका महामंत्री होता है, एक उसका कोषाध्यक्ष होता है, एक उसका सेनापति होता है, कुछ उसके चापलूस दरबारी होते हैं। राजा की मर्जी है कि वो दरबारियों की बात माने या ना माने, प्रजा की बात तो बहुत दूर की है। तो है क्या अंतर इसमें कि राजा ने जो कह दिया, राजा व्यक्ति है, वो चाहे तो सर कटवा दे, वो चाहे तो इनाम में अपनी माला उतार के दे दे या मुकुट दे दे, ये कहानियाँ सब आपने सुनी होंगी। और प्रजा घंटा बजाती रहे उसके दरवाजे के आगे, त्राहीमान करती रहे, बचाओ बचाओ करती रहे, राजा की मर्जी है, राजा सुने या ना सुने, ये मनुस्मृति का नियम है। इस नियम में जो फायदा होता है वो दरबार को और राजा को होता है। राजा और दरबार कुछ नहीं करता, वो कोई हल नहीं चलाता, कोई काम नहीं करता, सारी प्रजा उसको लगान देती है, उसकी बात मानती है। और अगर युद्ध भी होता है तो प्रजा में से सैनिक आते हैं, वही करते हैं, वही मरते हैं। राजा अगर पकड़ा जाता है तो राजा सरेंडर कर देता है, राजा को माफ़ी मिल जाती है, क्योंकि राजा को कभी काटता नहीं है ना मारता है, ये उसके नियम हैं। और ऐसे नियम हैं कि जो राज पुरोहित है उसको तो कोई छू भी नहीं सकता, अपने लिए तो उन्होंने बहुत सेफ बनाए हुए हैं। तो वो नियम हमारे नहीं हैं, हमारे को वो नियम पकड़ा दिए और हमको ये कह दिया कि एक आपने उद्देश्य, पहली बात तो संगठन एक उद्देश्य के लिए बनता है, उस उद्देश्य के लिए जो बनेगा उसमें एक प्रधान होगा, और वो प्रधान अधिकतर लोगों की वोटों से नहीं आता। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे संगठन देखे हैं जिनमें लोग नहीं चुनते प्रधान को, वो एक बॉडी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें होता है तो वो बॉडी आपस में घूमती रहती है। उसमें एक प्रधान होता है, एक उसमें जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, कुछ सचिव बनाते हैं, एक कैशियर बनाते हैं, सेम वही पैटर्न है। ये पैटर्न हमारा नहीं है, हमारा तो संघ का पैटर्न है। इसका नुकसान ये होता है कि उद्देश्य पूरा हो या ना हो, जैसे संगठन बनाया इस उद्देश्य के लिए कि हमको काम करना है कि बच्चों को शिक्षा देनी है, जो हमारे मोहल्ले में शिक्षा है, उसके लिए एक शिक्षा समिति बना दी, उसका एक अध्यक्ष प्रधान बना दिया, कुछ पैसा इकट्ठा किया मोहल्ले से, तो उद्देश्य उस समिति का पूरा हो या ना हो मगर संगठन बराबर रहता है, उसके लोग बराबर चलते रहते हैं, वो फिर एडिक्टेड हो जाते हैं, आदत में आ जाते हैं। और बच्चे हमारे पढ़े नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो वो और ज़्यादा शराब में, जुए में, इसमें उसमें चले जाते हैं। और वो क्या करता है संगठन बाद में कहता है तुम्हारे बच्चे नालायक हैं, हम तो उनको बुलाते हैं वो तो आते नहीं, वो तो बैठते नहीं, हम क्या करें, हम क्या उनके घर जाएं, हम क्या उनके पीछे जाएं, बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल लेता है। तो ये प्रणाली उनकी है। इस प्रणाली से हुआ क्या कि 70 साल में जो हमारे जितने अधिकार थे, अगर परिणाम देखेंगे और जिन जिन परिणामों के लिए संगठन बने, वो परिणाम बहुत आंशिक रूप से आए तो हैं, आंशिक रूप से आए, मगर जो बाबा साहब लेके आए थे और जो अधिकार हमें मिले थे वो अधिकार चले गए, तो नुकसान ज़्यादा हुआ फ़ायदा कम हुआ। फिर वो इकट्ठा करने के लिए बनाए थे। अब इकट्ठा करने की समस्या ये है कि जैसे धम्म के संगठन हैं, अब धम्म के मैं आपको दो व्यक्तियों के नाम बताऊँ कि एक सुमित्रंत भंते हैं और एक भंते हमारे घूम रहे हैं जो पलवल के हैं, करुणाशील राहुल, दोनों के अलग अलग हैं, और भंतों की बात नहीं करता, पूरे देश में बहुत हैं। वो दोनों भंते कभी आपस में साथ नहीं बैठते, वो कभी नहीं कहते कि हम धम्म का काम करते हैं, बुद्ध हमारे एक ही हैं, हम अलग अलग क्यों हैं। भिक्कुओं में ही जब अलग अलग होगा तो उपासक कैसे होंगे, आप सोचो कि अगर भिक्कू ही अलग अलग होंगे तो क्या उनके उपासक एक साथ बैठ सकते हैं कभी, वो ना बैठने दें। तो उन्होंने भिक्कू को, मतलब जो संगठन है उसको एक गुलामों का तंत्र बना दिया,
और वो उसके अध्यक्ष बन गए, जबकि विनय पीटक में कहीं धमो में भिक्कू पब्लिक का नायक नहीं हो सकता, वो उसका प्रधान नहीं हो सकता, वो संगठन नहीं बना सकता, संगठन चला नहीं सकता, और वो मठ नहीं बना सकता, और वो रुक नहीं सकता एक जगह, और ऐसे हजारों बने हुए हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमें पुरानी मान्यता हमारे दिमाग में है कि हमारे भगवान का चीवर पहना हुआ है और भगवान की मान्यता तो श्रेष्ठ है, तो हम बिछ जाते हैं, कितना पैसा चाहिए जी ले जाओ। अच्छा, भिक्कू अपने ऊपर फूल मालाएं भी बरसवाने लगे हैं, जबकि भिक्कू किसी को टच नहीं कर सकता, भिक्कू 12 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता, सर के ऊपर अगर सूरज आ जाए, पहले घड़ी नहीं थी, अगर सर के ऊपर सूरज आ जाए तो उसके बाद में सिर्फ गुड़ खा सकता है, गुड़ था बाद में लिखा हुआ, शाम के टाइम थोड़ा सा, या गन्ने का रस वगैरह। तो वो सारे नियम वो बताते नहीं है, अगर वो सारे नियम बताएंगे तो आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी, फिर कहोगे आप क्या गुरु जी हो, आप कैसे गुरु जी हो, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो संगठन का एक गुण दोष है। दूसरा क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हैं और सरकारी कर्मचारियों के संगठन के भी कई सारे संगठन हैं। अब आप बताओ कि सरकारी कर्मचारियों के इतने सारे संगठन और उनके भी संगठन हैं, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों के सारे डिपार्टमेंट बचने चाहिए थे, बिकने नहीं चाहिए थे, और हमारी प्रमोशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, मगर हुआ उसका उल्टा, सारे डिपार्टमेंट भी बिक गए और सब प्रमोशन चली गई और कुछ नहीं हुआ। अब बात करें सामाजिक संगठनों की, हमारा जो सामाजिक संगठन जिसको बड़ा बोलते हैं, वो 1978 में बाम से बनाया साहब ने, साहब से सीख के 40 से ज़्यादा संगठन बने हुए हैं, उसी पटन पर काम करते हैं। अभी अधिवेशन होंगे यहाँ, तो अधिवेशन होता है लोगों को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अरे भाई, आप सब अलग अलग लोगों को बैठे हुए हो और अलग अलग कर रहे हो, एक पटना में कर रहा है, एक आंध्र प्रदेश में कर रहा है, एक बोधगया में कर रहा है, अलग अलग कर रहे हैं, और पैसा कहाँ से जाएगा, सब हम में से, हमारे ही मुरादाबाद के अंदर से। आप 20 जगह आदमियों को लेकर जाओगे तो आपने हमारे मुरादाबाद के 20 टुकड़े कर दिए। तो संगठनों का जो काम होना चाहिए था, संगठनों ने जागरूकता की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो साहित्य जो बाबा साहब का दिया है, मगर वो रिसर्च करना भूल गए, आगे सर्च करना भूल गए, वो टुकड़ों में बट गए और अपनी पोजीशन को और अपनी स्टेबिलिटी को बचाने के लिए वो बाकी काम भूल गए। जब आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा तो तुम लड़ोगे किससे। अभी मैं बामसेफ के अधिवेशन में गया था, वहाँ एक बामसेफ का, उन्होंने कहा जी आप आओ, मैंने कहा अच्छा आते हैं, हम तो कड़वा बोलते हैं, कड़वा इसलिए बोलते हैं कि हम ठीक बोलते हैं। तो वहाँ हमने ये कहा कि भाई बामसेफ ये सिखाती है कि दुश्मन हमारा ब्राह्मण है, बहुत अच्छी बात है, आपने आइडेंटिफाई किया, सिखाया, बहुत अच्छी बात है, मगर यार सारी एनर्जी तुम इसी बात में लगा देते हो, 100% एनर्जी तो दुश्मन बताने में लगा देते हो, ये दुश्मन है दुश्मन है, भाई दोस्तों का नहीं बताओगे, भाई 5% में, 1 घंटे में 3 मिनट बता दो कि ये हमारा दुश्मन है, बाकी 1 घंटे में जो 57 मिनट हैं वो दोस्त बताओ ना, हमारे दोस्त कौन कौन से हैं। अब दोस्त कैसे बताएं, दोस्त बताएंगे तो उनको कहना पड़ेगा कि सारे बामसेफ हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे पूछ लेंगे जब सारे दोस्त हैं तो अलग अलग क्यों हैं, तो वो बताते ही डर की वैसे, कहीं अगर बता दिया कि ये सारे दोस्त हैं तो ये पूछना लें। तो हमने इस बात को रखा कि भाई तुम लड़ किससे रहे हो, वहां तक तो पहुंच नहीं रहे जहां तुम्हें लड़ना है, अभी तो तुम आपस में लड़ रहे हो। तो हो क्या रहा है कि 4 लाख एक्टिव संगठन है, तो पैसा कहां से जाता है 4 लाख एक्टिव संगठन का, सरकारी कर्मचारियों से, बाकी लोग तो छोटा मोटा व्यापारी बिजनेस करते हैं वो देते हैं, उनकी परसेंटेज कम है, मगर अब सरकारियों का भी, सरकारी कर्मचारी का भी पैसा कम हो गया है। लोग कहां से जाते हैं, यहीं से जाते हैं, दुश्मन कौन हो रहा है, आपस में दुश्मन हो रहे हैं, मतलब दुश्मन होने चाहिए, दोस्त होना चाहिए कि सारे संगठन हैं तो सारे संगठन अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते तो चलो संगठन में अलग अलग भी है, अगर इकट्ठे हो जाते तो भी संघ के कंसेप्ट हमें याद नहीं आती, क्योंकि वे सारे इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अलग अलग होने की वजह से नुकसान ये हुआ कि हमारे सारे अधिकार चले गए। जो रोहित वेमुला मरा जब, तो रोहित वेमुला के मरने पे इंडिया गेट पे 4 बामसेफ के संगठन संडे को करते हैं वो सब, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, एक कोने में यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। अब मैं दिल्ली में अधिकतर जाके देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, तो हर एक ने बाबा साहब की मूर्ति ले रखी, वो ले रखा फोटो, और हर एक ने रोहित वेमुला का, चारों अलग अलग कर रहे। फिर मैंने होम मिनिस्ट्री में एक बंदा मेरा पहचान का था, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इनका कोई प्रतिवेदन ज्ञापन कुछ आया क्या, कह रहा जी इनका ज्ञापन सब कूड़े में पड़े रहते हैं, हमें पता है ये चार हैं, चारों अलग बैठे हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, अरे यहाँ इनकी कोई फिक्र नहीं करता, इनके बहुत ज्ञापन आते हैं, घोट जाते हैं, तुम्हारे ज्ञापन वहाँ सुनता कौन है। तो रोहित वेमुला तो उस दिन मरा जिस दिन तुम चारों अलग अलग फोटो लेके बैठे, उस दिन थोड़ी मरा जिस दिन हैदराबाद में मरा। और ऐसे ही हमारी जो अभी जो हाथरस के अंदर, जो दिल्ली के अंदर जो बहन बेटी के साथ जो होता है, वहाँ सारे नेता अलग अलग पहुँचते हैं, झगड़ते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, मरते हैं, तो इनको ठीक कौन करेगा, इनसे कहेगा कौन, संगठन संगठन आपस में कह नहीं सकता, क्योंकि वो कहेगा तुम्हारा भी संगठन है, अपना ही तुम अपना काम करो, हमसे क्या लेन देना, तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो तुम बड़ी लकीर खींच लो। भाई लकीर खींचने का टाइम नहीं है, खुद ही तो कहते हो कि 2022 है, 2024 है,
और खुद ही कहते हो कि लकीर खींचनी है। भाई लकीर खींचने की यहाँ कोई रेस हो रही है क्या? आप हमारे बीच में लकीर खिंचवा रहे हो और हमसे खिंचवा रहे हो, हमसे संसाधन ले रहे हो, हमसे काम ले रहे हो, हमसे कह रहे हो जिसकी लकीर है। भाई हमने कब कहा लकीर के लिए, और हमने कब कहा कि अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो तुम करते जाओ, अपनी मर्जी से तुम आते हो, अपनी मर्जी से करते हो, हमसे कब पूछते हो कि भाई तुम्हें ये संगठन का काम आता है या नहीं आता है? हमसे पूछो तो हम बताएं भी कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए संगठनों की जो मान्यता है और जो संगठन है वो एक लिमिटेड दायरे में, वो तब की बात थी जब हमें जब तक संघ के कॉन्सेप्ट का पता नहीं था। अभी तो हमें पता चल गया। ये ठीक ऐसे है जैसे तंबाकू की दुकान पहले होती थी, जो लोग तंबाकू खरीदते थे पहले तो तंबाकू की दुकान पर तंबाकू खरीदते थे। अब सिगरेट आ गई, अब तो रेडीमेड जेब में से निकाल के पी जाते। बुरी बात है वैसे, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो तंबाकू की दुकान बंद हो गई। भाई एक चीज़ की एज एक समय तक होती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। आदमी मर जाता है, पेड़ मर जाता है, संगठन मर जाती हैं, पार्टियाँ मर जाती हैं, सबका काम होता है, मगर संघ इंटैक्ट है, संघ नहीं मरता। संघ जब मरेगा, जब आप सारे मर जाओगे। अगर पृथ्वी पे दो समण भी जिंदा रहेंगे तो संघ रहेगा। एक व्यक्ति का तो संघ नहीं होता, दो से संघ बन जाता है। अगर दो व्यक्ति भी जिंदा रहेंगे कहीं भी, चाहे एक अमेरिका में रहे और एक इंडिया में रहे, तो अभी उनका संघ है। जैसे इसराइल का संघ है, इसराइल के अंदर क्या है, जो यहूदी हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी हो वो उनका सिटीजन होता है, उनका मेंबर होता है। उसको वो पैसा पहुंचाते हैं, उसको वो पढ़ाई देते हैं, उसको वो शिक्षा देते हैं, उसको पेंशन देते हैं, और वो कहते हैं वो दूसरे देश की नागरिकता ले नहीं सकता, वो कहता तू हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। इसी प्रकार ये समर संघ है कि हमारा आदमी चाहे कुछ भी करे, चाहे हमारा आदमी हमसे लड़े, यहाँ आके कितना ही प्रश्न पूछे, चाहे हमें गाली पक्के चला जाए, चाहे वो जेल में जाके सजा काटे, चाहे वो बुराई करे, चाहे वो संघ घात करे, उसको संघ सजा भी दे, तो भी वो रहेगा समर संघ का मेंबर ही, क्योंकि वो समर में पैदा हुआ है, वो उसकी प्रायोरिटी है, वो उसका मिलेगा। तो इसलिए जैसे अंगुलीमान था, समर संघ था, समर संघ का मेंबर था, अपना पाप उसने प्रायश्चित किया, उसके बाद भिक्खु संघ में आ गया, समर संघ में आ गया। तो यहाँ जितने भी हैं ये संघ जो है उसमें सारे संगठन आ सकते हैं, मगर किसी संगठन में संघ नहीं समा सकता। तो संगठनों के लिए अगर वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर संगठन काम कैसे करेंगे? एक ही चीज़ के 20 संगठन कैसे काम करेंगे? वो तो आपस में लड़ेंगे, उनमें तो आपस में जूतम पत्रम रहेगी, तो वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर संघ सबको इकट्ठा कर सकता है। इसलिए संघ की जो कल्पना है और संघ की परिकल्पना है, जो हमारे पुराने जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है, उस समय एक भी संगठन नहीं था। त्रिपिटक में या बुद्ध के समय में एक भी संगठन नहीं मिलता, कहीं भी संघ ही मिलता है और एक अकेला संघ बनता है। तो बाबा साहब ने भी जब हमको ये अलग अलग संस्थाएं दी थी तो ये नहीं कहा था कि इनके टुकड़े करते जाना, टुकड़े करते जाना, टुकड़े करते जाना, कहीं लिखा हो तो बता दो। आपने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद उनको जस्टिफाई आप करोगे तो अपनी मौत के परवाने पे खुद साइन करोगे। और अगर ऐसे सही समझ में आता है तो ऐसे समझ में आता है कि जिस बाप के चार बच्चे होते हैं वो अपने चार बच्चों को अलग अलग कर दे और उसके बाद उसको जस्टिफाई कर ले कि मेरे चारों बच्चे अलग अलग हो गए और ये अच्छा काम हुआ है। अगर किसी बाप के चारों बेटे अलग अलग हो जाएं और ये अच्छा काम है तो हम मान लेंगे कि हमारे हजारों जो संगठन अलग हैं वो अच्छा काम है। जैसे बाप ये कहता है कि पूरा कुनबा साथ रहना, चाहे लड़ते रहना अंदर, मगर रहना साथ, क्योंकि गली में तुम्हारी धाक रहेगी, तुम्हारे बर्तन चोरी नहीं हो सकते अगर तुम इकट्ठे रहोगे, तुम्हारी आवाज़ ही बहुत है, इस बात का एहसास ही बहुत है, इस गली में सारे लोग इकट्ठे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने करके चलनी है, उससे फ़ायदा होगा। अभी जो समर संघ का जो कंसेप्ट है ये पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, मगर एक साथ निकल के आया है। इसको अगर समझ जाएंगे, इसका प्रचार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको फील करेंगे, इसको महसूस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके बच्चे बच सकते हैं। बच सकते हैं, बचने की गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में जो हमारे जो देश है, खासतौर चीन तो मजबूत हो गया, चीन का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो हर तरह से मजबूत हो गया है, मगर हमारा देश है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या एशिया के कुछ और देश हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम उसमें नंबर वन पर हैं। हमारी पॉपुलेशन की अब उनको ज़रूरत नहीं है, हमारी जनसंख्या की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम मनुष्य पहले करते थे वो सारा काम अब मनुष्य मशीन करती हैं, सारा काम मशीन करती हैं, यहाँ तक कि चुनाई भी करने वाली मशीन आ गई हैं। जो छतें और जो मकान बनते हैं उनके स्लैब बनने लगे हैं डायरेक्टली, आपने देखा होगा पुल कितनी जल्दी बन जाते हैं आजकल, अब मशीनें काम करती हैं, हर चीज़ में मशीनें आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए कोई काम नहीं है, हर काम जो हाथ से था वो मशीन करती हैं। तो या तो हम बहुत ज़्यादा काबिल हो जाए, पढ़ें लिखें और उस टेक्नोलॉजी को जानें जो टेक्नोलॉजी पर वो हावी हैं और वो काम करें, वो रास्ता मुश्किल कर दिया उन्होंने,
क्योंकि पढ़ने के रास्ते बंद हैं, 1 करोड़ में डॉक्टर, 50 लाख में इंजीनियर और 50 लाख में बनेगा MBA बनेगा, और वो भी आप एडमिशन मिलेगा आपको क्योंकि प्राइवेट हो गए कॉलेज, और आप अगर वहाँ से अपना घर बेच के पढ़ भी लोगे तो वो आपको नौकरी ना दे क्योंकि प्राइवेट हो गई सारी। खेत हमारे पास है नहीं, दुकानें व्यापार हमारा जा चुका है, नौकरियाँ हमारी प्राइवेट कर दी हैं या डिपार्टमेंट सारे बेच दिए हैं। तो जो जिस व्यक्ति के पास में काम नहीं होता वो मर जाता है, काम जिंदा रखता है। काम नहीं होगा तो क्या खाएंगे बच्चे और क्या पिएंगे और कौन देगा? अच्छा, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अभी महंगाई और बढ़ेगी। पेट्रोल 150 रुपये जाएगा, हमारा मिलना जुलना जो ये एक्चुअल मिलना जुलना ये भी कम हो जाएगा क्योंकि इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते कि कार में आने जाने में 3000-4000 लगेगा, टोल टैक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको ख़त्म करने का एक इनडायरेक्ट प्लान है। जैसे हमको अगर हम बीमार हो जाएंगे, महामारी आएगी, तो हमको दवा नहीं मिलेगी, तो दवा नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। बहुत लोग मरे हमारे इस बार, लाखों लोग मरे और हमारे ही मरे, उनके तो बच गए हैं। तो रोज़गार नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो हमारा मनुष्य, और फिर वो हमें इज्जत भी नहीं देंगे, वो हमको कहेंगे अरे ये तो बेकार है, गंदा है, इस तरह से हमको प्रताड़ित करेंगे, तो हमारा मन भी मारेंगे वो। तो हम बचेंगे कैसे? हमारे पास बचने का रास्ता क्या है? तो हमारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, संघे शक्ति। हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको खा जाएंगे, और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो वो हमें खा जाएंगे। ये जिद्द है जिंदा रहने की, ये जिद्द है बचने की। इसलिए ये छोटे मोटे टंटों में, छोटे मोटे झगड़ों में ना पड़ो कि ये संगठन बड़ा है, संगठन छोटा है, संघ बड़ा है, संघ छोटा है। ये 2-3 साल की बात है, 2-3 साल में बहुत भयंकर रिजल्ट आने वाले हैं। 22 के अंदर जो आप सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम आपस में टकरा के मरने वाले हैं और हमारे नेताओं को कोई अकल नहीं आने वाली है, उनके पेट भरे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी सब चीज़ें तैयार हैं। और 24 में आप किसी को छू नहीं सकते, तो लड़ना हमें है भी नहीं, बस हमको संघर्ष करना है। जो बाबा साहब ने कहा है, अभी संविधान जिंदा है, अगर हम इकट्ठे हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि हमको काम चाहिए, हमारा काम राइट है। दरअसल संविधान में बाबा साहब काम को राइट डालने वाले थे, जो हमारा भत्ता है उसको राइट डालने वाले थे, ये मौलिक अधिकार में आने वाला था, मगर अकेले बाबा साहब की चली नहीं। क्या चलती अकेले बाबा साहब की? संघ नहीं था उनके साथ में। अगर संघ उनके साथ में होता तो संविधान जो मौलिक अधिकार वाला है, वो मौलिक अधिकार हमारे सारे होते। राइट टू लिव हमारे पास में इतना जबरदस्त नहीं है जितना होना चाहिए। व्यक्ति का अधिकार नहीं है, व्यक्ति की जो गरिमा, गरिमा का नाम है, मगर व्यक्ति की गरिमा के नाम पर है कुछ नहीं। कोई हमारे कपड़े फाड़ देता है, कोई हमें गाली बक देता है, कोई गरिमा नहीं है, कोई सुनता नहीं, ना कुछ सुनता। मगर जैसे ही आप इकट्ठे हो जाओगे, अभी बाजी पलट सकती है। इसलिए सही समय पर संघ निकल के आ गया बाहर, संघ में सारी चीज़ें वहीं हैं। आप इधर इकट्ठे होते चले जाओगे, उधर बच्चे हमारे सब बचते चले जाएंगे। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, क्योंकि ये सत्यता है, इसको अपनी आंखों से देख सकते हो। आपकी आमदनी घट रही है और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आप वहीं आ जाओगे जहां से बाबा साहब आपको खींच के लेके आए थे। कोई और प्रश्न हो किसी का तो पूछ लें। सर, आपके कथन से मैं सहमत हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि अब तक हम संगठनों में बटे पड़े थे, आप इनको एक जगह कैसे लाएंगे? देखिए, हमने कोशिश की थी, हम बहुत सारे लोग हैं जो इस सोच के हैं कि हमको इकट्ठा होना है, और यहां जितने भी लोग हैं उसी सोच के हैं कि हमको इकट्ठा होना है। हमें कोई भी आम आदमी या आम महिला ऐसी नहीं मिली जो ये कहती हो कि इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हर महिला, हर आदमी, हमें आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला सिर्फ नेता को छोड़ के। नेता ने ये तो कभी नहीं कहा कि हमको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जब हमने नेताओं को इकट्ठा किया दिल्ली के अंदर, आंध्र भवन के अंदर, तो उनको हमने कागज पर लिख के एजेंडा दिया और उनसे कहा कि बस एक लाइन का एजेंडा है कि आप सबको 14 अक्टूबर 2020 तक ये डिक्लेरेशन करनी है कि अब हम सब एक हैं। और हमने उनसे ये निवेदन किया कि भाई बाबा साहब का जन्मदिन अगर तुम इकट्ठा नहीं मना सकते तो कम से कम उनके बर्थडे पर तो इकट्ठे हो जाओ। 6 दिसंबर को भी तुम इकट्ठे नहीं होते, कोई मैसेज नहीं जाता। सब जिनको तुम दुश्मन कहते हो उनको तो पता है कि तुम तो अपने बाबा साहब जिसको मसीहा मानते हो उसके मर्णदिन पर भी इकट्ठे नहीं हो। वहाँ भी तुम्हारा ईगो क्लैश करता है, वहाँ भी तुम्हारी अहम आता है। तो वो जितने भी लोग आए उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में, वो खूब बोले, मगर इस टॉपिक पर नहीं बोले कि हमको इकट्ठा होना है। वो ये बोले हमारे साथ आ जाओ। और एक सेंटेंस जो किसी ने नहीं बोला और जो सबके दिमाग में चल रहा था, हमारे साथ आ जाओ और नेता हमें, हमको नेता मान लो। तो हमको ये समझ में आया कि ये तो बहुत बुरी बीमारी है भाई,
ये तो ना इकट्ठा होंगे और ना ये इकट्ठा होने की बात करेंगे। अब इनको नेता तो हम तो मान लें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसे यहाँ 50 संगठन इकट्ठे हो गए, भाई तुम तय कर लो किसको नेता, हम तो उसी को मान लेंगे, हम तो पब्लिक है। मगर वो इकट्ठा, वो कह रहे तुम मानो, वो इधर पब्लिक से कह रहे हैं कि तुम हमें बताओ कि हमें से नेता कौन होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि 50 में 50 उनमें कोई नेता मानने वाला नहीं, उनको उनकी सभी हालत खराब है। और पब्लिक की दिक्कत यह है कि एक को नेता माने तो 49 ये कहेंगे अच्छा अब मैं अपने गुलामों को लेकर अलग जाता हूँ, अब देखूंगा कैसे बात बनेगी। तो वो लोग नहीं इकट्ठे हुए भाई। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर अपनी जान बचानी है तो इनके पास मत जाओ, इनको सिर्फ 5% कहते रहो कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, ये होंगे होंगे नहीं। बाकी जो पब्लिक है, जो हमारे जैसे आम आदमी हैं, उनको ये समझाओ कि भाई अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो हम मारे जाएंगे। तो बचने का तरीका है कि हम खुद इकट्ठे हो जाएं। तभी एक घटना घटी 2 अप्रैल 2018 की। 2 अप्रैल 2018 को सारे लोग अपने आप इकट्ठे हो गए, नेता कोई था नहीं। तब हमें यह समझ में आया कि बाबा साहब ने कब कहा था कि नेता के साथ इकट्ठा होना है, बता दो कहीं बाबा साहब ने लिखा हो कि भाई इकट्ठे होने के लिए नेता की जरूरत है। और बुद्ध ने कब कहा था कि तुमको अगला बुद्ध चाहिए तब संघ बनाना। बुद्ध ने तो ये कहा था कि अगर मेरे को देखना हो तो धम्म को देखना, मैं धम्म में रहता हूँ। तो बाबा साहब का भी बात यही है कि भाई तुमको संविधान बचाएगा, तो अगर तुमको बचना हो तो संविधान को देख लेना। तो संविधान ये कहता है कि अगर 51% मेरे पास इकट्ठे होके आओगे तो बताओ मेरे आका मैं क्या करूं आपके लिए। यही कहता ना संविधान, 51%। और संविधान ये नहीं कहता कि भाई MP MLA आए मेरे पास 51% ना, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। वो वी द MLA या वी द काउंसलर या वी द पार्लियामेंट मेंबर या वी द MP इससे नहीं स्टार्ट होता। तो अब हमें समझ में आया कि बाबा साहब ने क्यों कहा था कि ये संविधान सबकी रक्षा करेगा, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा बना हुआ है, हमारे लिए बना हुआ है, हमारा है, तो हमको सिर्फ 51% इकट्ठा होना है। तो जैसे ही 2 अप्रैल को इकट्ठे हुए, सड़क पर इकट्ठे हुए थे, ना तो कोई सरकार को पर्चा गया, ना कोई ज्ञापन गया, ना कुछ गया, सरकार की हालत ख़राब हो गई। वो तो तब हालत हुई कि सड़क पर खाली हाथ खड़े हुए थे और सरकार ने चाल चली और जहाँ जहाँ सरकारें उनकी थी महामा, उन्होंने हमारे लोगों को डिमोनाइज करने के लिए झूठे उन पर मुकदमे बनाए, उनको फंसाने की कोशिश की, फिर भी हम टूटे नहीं। और आखिर में वो पन्ना उनको जोड़ना पड़ा, संविधान वो जो उन्होंने फाड़ के फेंका था पन्ना, वो जोड़ना पड़ा। और आगे के लिए उनको ये समझ में आ गया कि अगर ये दोबारा इकट्ठे हो गए तो जो जो संविधान में बाबा साहब चाहते थे वो भी आ जाएगा। तो अब क्या है कि नेताओं को तो सिर्फ आप रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई इकट्ठे हो जाओ, उनको नाराज मत करो क्योंकि वो भी समर संघ के मेंबर हैं। बाकी लोगों को ये समझाते रहो कि भाई अपने नेता को बोलो इकट्ठा हो जाए, और नहीं तो तुम तो इकट्ठे हो जाओ। तो अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो नेता तो अपने आप आ जाएंगे। भाई नेता हमसे हैं, हम नेता से नहीं हैं। नेता हमें चंदा नहीं देता है, नेता को चंदा हम देते हैं। नेता हमें नेता नहीं मानता है, हम उसको नेता मानते हैं। तो हम उसकी पब्लिक हैं, हम उसे नेता मानते हैं तो वो नेता है। अगर हम उसके नीचे से खिसक जाएंगे, अब जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आज ये कहते हैं कि सारे के सारे भाई जितने नेताएं इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मैसेज पहुंचता है और इसका मैसेज पहुंच रहा है। उसका फ़र्क ये दिखाई दे रहा है कि आज हर आदमी जोड़ने की बात कर रहा है। तो हमने देखा कि ये क्या चालाकी कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं भाई जोड़ो कर रहे हैं। वो जोड़ो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जोड़ो और जोड़ो में से जोड़ो पकड़ लिया, कह रहे हम भी जोड़ रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा 4 लाख के 4 लाख तुम सबको जोड़ोगे तो जुड़ेगा कौन तुम में, तुम खुद भी तो जुड़ो। वो खुद जुड़ने को तैयार नहीं है, जोड़ने को तैयार है। वो कह रहे आप भी आ जाओ, हम सबको जोड़ेंगे, सारे लगे इस काम पे। तो अभी कम से कम उनको ये समझ में आ रहा है कि लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं अगर हम जुड़ेंगे नहीं। ये 22 का इलेक्शन हो जाएगा जनवरी फरवरी में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सब लोगों को समझ में आ जाएगी कि बिना जुड़े हमारा कल्याण नहीं होगा। अभी एक उम्मीद बाकी है, उस उम्मीद को भी आप करके देख लो। और 24 में तो पूरे भारत को समझ में आ जाएगी कि जब तक हम सब एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम बचेंगे नहीं। और अगर बहुत देर हो गई और संविधान चला गया हाथ से, फिर आप इकट्ठे भी हो जाओगे, फिर राजा नहीं सुने आपकी, फिर तो राजा के दरबार के बाहर घंटे बजाते रहना, फिर तो लोकतंत्र रहेगा नहीं, फिर किसको कहोगे, फिर वी द पीपल तो है नहीं, फिर तो प्रजा हो गई हम, और प्रजा की कोई नहीं सुनता। फिर आपको सड़कों पर जाना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा, फिर लंबी लाइनें लगनी पड़ेंगी, फिर जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, फिर सत्याग्रह करोगे, फिर करोगे तुम ऐसा करो देश छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो, नारेबाजी, फिर पुलिसबाजी, धगड़बाजी, पकड़बाजी, फिर उसके लिए तैयार रहोगे ज़्यादा करना है तो। और उसमें भी हो सकता है कामयाबी मिले या ना मिले, क्योंकि अभी ज़माना थोड़ा सा आगे है। पहले बंदूक में एक गोली चला के एक भरनी पड़ती थी, टाइम होता था, अब तो बंदूकें ऐसी हैं कि एक बटन दबाओ तो सैकड़ों साफ हो जाते हैं, तो वो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए वहाँ तक दिक्कत ना आए उससे पहले ही सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए और छोटी छोटी बातों को तुरंत भूल जाना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार जितना हो सके उतना करना चाहिए, तो जान बचेगी। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मेरे पास में ज़मीन बहुत है,
जायदाद बहुत है, पैसा बहुत है, पेंशन बहुत है, घर बहुत है, मेरे बच्चे बड़े अफसर हो गए हैं, या मैंने कुछ काम खोल लिया है, तो सम्राट अशोक के समय में तो हम राजा थे, सारी इंडस्ट्री हमारी, सारी ज़मीन हमारी, सारा पैसा हमारा, पढ़े लिखे हम, सब कुछ, और सब चला गया। जब बाबा साहब ने हमको उठाया था ज़मीन से, तो अकेले बाबा साहब ही थे जो पढ़े हुए थे, दो चार पांच कोई और होगा कहीं छुप छुपा के पढ़ लिया होगा, तो पढ़े हुए भी नहीं थे। तीसरी पीढ़ी में जाओगे पढ़ा हुआ नहीं मिलता कोई हमारा। तो जब सब कुछ हमारा था, जब तब जा सकता है, तो अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत तेज़ी से चला जाएगा। रोटी तो खाओगे जब रहोगे घर में, कपड़ा तो पहनोगे, आओगे तो जाओगे, सांस तो लोगे, पर धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, मिलेगा है नहीं, ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे, किसी का छीनोगे तो जेल में डाल देंगे, काम कोई देगा नहीं, पढ़े लिखे होगे बहुत, अपने घर में बैठना पढ़े लिखे, कोई ना ले नौकरी पे, मर्जी उसकी। देश में अब संविधान तो है नहीं जो आपको नौकरी मिलेगी, और तो संविधान है तो भी नहीं मिलेगी नौकरी, क्योंकि आरक्षण तो ख़त्म है, फैक्ट्रियाँ तो ख़त्म है। वो तो कहते हैं आरक्षण तुम्हारा है मगर नौकरी नहीं है, वो कहते हैं आरक्षण तो पूरा मिलेगा, आरक्षण तो आपका अगर आपको 14% से 24% चाहिए तो ले लो, हम तो आपको 24% आरक्षण, मगर नौकरी कहाँ है, वो डिपार्टमेंट ने सारे बेच दिए, तो आरक्षण तो रहेगा मगर नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस तैयारी के लिए एक ही हथियार हमारे पास बचा हुआ है, संघ शक्ति, और कोई नहीं है। जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाता है वो अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपनी बेटी को, अपनी पोती को बचा लेगा। जिसको नहीं समझ में आता है तो साटन के बहुत बढ़िया कफन मिलते हैं भाई, उनको खरीद लेना, क्योंकि कफन भी महंगे हो जाएंगे, वो भी नहीं मिलेंगे। फिर वो कहानी सुनी होगी कि बच्चा मर गया और बाबा साहब का याद है कि साड़ी फाड़ के क्या बोलते हैं माता ने पहनाई थी। वो दिन कहीं दूर नहीं है, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 30 साल का तो बहुत लंबा टाइम है, 10 साल के बाद ही शक्ल दिखाई दे जाएगी। ये बूढ़े सूढ़े तो सब मर जाएंगे, उनके बच्चे सब लटकेंगे यहाँ अगर कुछ नहीं हुआ। बाबा साहब का माल खाया और याद नहीं किया बाबा साहब को, बाबा साहब की बात नहीं मानी, उसका दंड उनके पोते और बेटे भिड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, 2-3-4 साल का समय है, इसमें बाजी पलट सकती है, इसमें जान बच सकती है। यही वी द पीपल है और यही समर संघ है, जान बचाने का पहला और आखिरी हथियार है हमारे पास में, और नहीं है इसके अलावा कोई भी। और किसी का कोई प्रश्न? वो ये कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट तो बाबा साहब के नाम पर जुड़ जाते हैं, ओबीसी कैसे जोड़े हम लोग, यही प्रश्न है आपका। देखिए दरअसल क्या है कि जानकारी ऐसी चीज होती है जो चली जाए तो हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और आ जाए तो हम टुकड़े हमारे खत्म हो जाते हैं। ओबीसी एससी एसटी जो शब्द है वो अभी के हैं, और अगर आप उनको बीच से पिक्चर को ना कभी बीच से मत देखिए, इंटरवल से मत देखिए पिक्चर को शुरू से देखिए। तो आप जब अपना इतिहास शुरू करें तो बुद्ध से थोड़ा पहले जाएं, और फिर वहां से आरंभ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बुद्ध से पहले भारत में ना कोई बुद्धिस्ट था ना कोई जैन था, क्योंकि जो महावीर जैन थे वो 19 साल बड़े थे। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो बुद्ध की फिलॉसफी आती है, फिर अशोक आते हैं, और 2021 साल पहले जो डेट चलती है भारत में या पूरी दुनिया में 2021 चल रही है, तो ईसा मसीह 2021 साल पहले आए थे। तो उस समय वहाँ पर जो इब्राहिम थे यहूदी थे उनसे वो क्रिश्चियन बने, वो क्रिश्चियनिटी यहाँ आई बहुत बाद में आई। और जो मुस्लिम है वो 14 साल पुराने हैं, मोहम्मद का जो बर्थ है वो 14 साल पुराना है, और जो सिख हैं वो 5 साल पुराने हैं, बाकी जो संत हैं जो रविदास हैं कबीरदास हैं ये 400-500 साल पुराने इनका ये आता है। तो पूरे बुद्ध की हिस्ट्री में कास्ट नहीं मिलती, एस सी एस टी ओ बी सी तो अभी का शब्द बनाया 1932 के बाद, और पूरे बुद्ध की हिस्ट्री में कहीं कोई जाति नहीं है, सिर्फ 2 वर्ण हैं। और पूरे बुद्ध की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे समण हैं, सारे। ये जो आप समण हैं इसको ये ना समझें कि मैं एस टी की एस सी की बात कर रहा हूँ या एस टी की बात कर रहा हूँ, समण का मतलब है वमण को छोड़ के, वमण को छोड़ के। तो बुद्ध को मानने वाले अब भारत में बहुत लोग हैं, जैसे कुशवाहा मानते हैं, जैसे शाक्य मानते हैं, मौर्य मानते हैं, ये जो लोग हैं ये बुद्ध के फॉलोवर हैं, मगर अभी ये बुद्ध को ले रहे हैं पूजा के रूप में, बुद्ध को अभी इतिहास के रूप में नहीं ले रहे हैं। आप उनको जानकारी दोगे सबसे पहले तो आप अपनी गंदगी अपने दिमाग से साफ करो जो उन्होंने डाल रखी है। आप जब ये कहोगे हम समण हैं तो समण करते ही आपका मनोबल बढ़ जाएगा, वो पूरे देश से जुड़ जाएगा। फिर हमारी संख्या लगभग 26-27 करोड़ है जो आज की डेट में जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। अगर आप 26-27 करोड़ लोगों को ये बात समझाने में कामयाब रहते हैं कि हम संघ हैं, तो वो लोग आपसे पहले दावा करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। वो कह रहे हैं बुद्ध जो है वो हमारे हैं, जो कुशवाहा है वो लड़ता है, जो शाक्य मौर्य वो लड़ता है, कह रहे बुद्ध हमारे हैं। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि बुद्ध तो भाई सबके हैं, बुद्ध जो है वो समणों के हैं, तुम भी समण हो हम भी समण हैं, तो उसमें बर्फ़ पिघलेगी, उसमें उनको समझ में आएगा।
आप क्या करते हो, आप सीधे उनसे कहते हो कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दे। पॉलिटिकल सपोर्ट तो एक बाजार होता है, एक बिजनेस होता है, उसमें तो व्यापार होता है कि भाई तुम हमें सपोर्ट करो, हमें क्या मिलेगा, हम तुम्हें सपोर्ट करें क्या क्या मिलेगा। मगर समर संघ जो है वो सामाजिक है, उसमें व्यापार नहीं है। आप सिर्फ जानकारी उन तक पहुंचाते रहो कि सारे समर्थे, सारे समर्थे, सारे समर्थे, हम भी समर हैं। तो वो समर समर करते 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 उनको रिपीट हो जाएगा, उनको हिस्ट्री से समझ में आ जाएगा, वो हिस्ट्री कहीं नहीं जाती समर की। और फिर जब आप उनसे ये कहोगे कि हमारा जो उस समय झगड़ा था वो वमण से था, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वमण अलग है और समर अलग है। और अगर ना भी खड़ा हो तो आप 22 करोड़ 26 करोड़ जो हम लोग हैं ना, अगर आप इनको इकट्ठा कर लोगे, पॉलिटिकल पावर के लिए बता रहा हूँ आपको, तो भारत के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे पहले वमण आपके पास आएगा, वो आपके पैरों में पड़ेगा, वो सबसे पहले माइग्रेट होता है, वो सबसे पहले म्यूटेंट है, वो सबसे पहले आगे कहेगा आपको, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है वो लोग प्रताड़ित हैं, वो लोग आपके पास आ जाएंगे, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और 30% से ऊपर जिसकी संख्या हो जाती है उसकी तो यहाँ पूरी पावर हो जाती है, 31% पर तो सारी पावर है यहाँ। तो आप अपने को इकट्ठा कर लो पहले, बाकी लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, मगर जब आप ही टूटे हुए हो तो फिर आपको लोग खरीदते हैं। जैसे आज के समय क्या हो रहा है, जो अम्बेडकराइट समाज जितना भी है आजकल, उसके लोग कूद कूद के बाहर जा रहे हैं, यानी वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो उसकी दिक्कत ये है कि वो जानकारी का जो अभाव है ना, वो अभाव उनके पास बहुत ज़्यादा है। उनको समझाया गया है इंटरवल के बाद से, उनको समझाइए इंटरवल के पहले से। इसलिए माइंड से निकाल दीजिए कि वो OBC हैं, हम उनको ले लेके आना है। माइंड से ये रखिए कि हम समण हैं और हमें सिर्फ समण की बात करनी है, वो आए ना आए उसकी चिंता ना करो। अगर हम इकट्ठे हो गए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। बिल्कुल हाँ। सुरा मेरे मज पम्मट कण वेर मणि सिखा पदंग समादियामी, चुरा मेरे मज पम्मट कण वेर मणि सिखा पदंग समादियामी, पाता वेर मनी सिखा पदंग समाधियां।